आप सभी को स्वागत है, मेरा नाम है अजय। सो आज हम करने वाले हैं बेसिकली एक स्पेशल आइटम एंड अमेजिंग आइटम है, उसका नाम है दी शरीफ। सो ये बेसिकली सैमसंग ब्रांड का है एंड इतना फ्यूचरिस्टिक आइटम है कि लाइक आप पागल ही पागल हो जाते हो इसका सुन के स्पेसिफिकेशन एंड ऑल। सो स्टार्ट करने से पहले कॉफी या पॉपकॉर्न कुछ भी ले लीजिए, 3, 2, 1 गो। सो ये टीवी इतना स्पेशल है गाइस, आपको ना हम इसका की फीचर्स पहले उसके बारे में बात करेंगे। इसको ना NFC कनेक्टिविटी है एंड उसके साथ साथ आपको इन बिल्ट गूगल वॉइस असिस्टेंट भी आता एंड अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट भी आता एंड बिक्सपी भी उसमें अवेलेबिलिटी है। एंड ये अच्छा बात नहीं है, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है। सो अभी की फीचर्स तो मैं आपको बता दिया, की फीचर्स और भी है इसमें। ये मेन है कनेक्टिविटी के इश्यू के ऊपर देखे तो, एंड बेसिकली गाइस आपको ना ये 43 इंचेस का आता, 49 इंचेस का आता एंड 55 इंचेस का भी आता। 43 इंचेस का आपको ना बेस मॉडल है, उसको ना प्राइसिंग कितना 74,999 है इसका। सो आपको अगर आपको ना इजीली आपको 75 तक आ जाता है एंड इसका इतना अच्छा दिखने में है कि लाइक आप अगर ना 5-6 ईयर्स ना ऐसा नॉर्मली घर पे क्या है बोले तो ना एक रोबोट जैसा दिखता हो, उतना अमेजिंग है वो पीस भी। एंड आपको ना वो दिखने में भी इतना फ्यूचरिस्टिक है कि आपके साथ इजीली आपको ना वो चल जाता मालूम, आपके साथ 5 ईयर्स 6 ईयर्स भी चल जाता एंड उतना अमेजिंग पीस है। एंड ऊपर से क्या है बोले तो वो 4K रेजोल्यूशन है एंड 8K का भी फीचर्स है। अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग रहता बट आपको पता ही है। सो 4K का आपको ना कैसा रहा 360 डिग्रीज में व्यूइंग एंगल है उसका। क्या फीचर है बोले तो अगर आपके पास फ्लावर पॉट या कुछ भी ऐसा डिज़ाइन चीज़ कुछ रहा था ना टीवी के बाजू में इधर उधर लगाने को सोचते हैं ना, बट उसके ऊपर ना टीवी के ऊपर ही लगा सकते हैं आप, एक प्लेट जैसा आपको क्लियरली दिख रहा वीडियो में। एंड उसके साथ साथ NFC कनेक्टिविटी भी ऊपर। NFC कनेक्टिविटी किसके लिए काम आता, बेसिकली म्यूजिक। अभी देखो आप अगर थक गए ऐसा ऐसा जा रहे घर से, किधर से ऑफिस से आ रहे, किधर से कुछ आ गए थक गए, तो तुरंत आप फ़ोन उसके ऊपर लगा देने के बाद ना इजीली आपको एक क्लिक भी नहीं कुछ भी नहीं, आप उसके ऊपर रखने के बाद ऑटोमेटिक टीवी में आ जाता, वो भी ब्रिलियंट साउंड के साथ, उसमें डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी दिए, इतना अमेजिंग फीचर है। एक बात बता दूँ, 75,000 में इतना रिच लुक देने वाला टीवी किधर भी नहीं मिलता आपको, उतना फ्यूचरिस्टिक है, उतना रिच लुक है उसका देखने में भी एंड इतना लग्जरी टाइप दिखता बोले तो। बेसिकली ये टेस्ट टाइप रहता, अगर आपको रोबोटिक जैसा उतना पसंद नहीं आता आपको उतना पसंद नहीं आता, बट अगर आपको ऐसा हटके थोड़ा दिखना है, थोड़ा अलग वे में दिखना बोले तो ये टीवी अमेजिंग दिखता। अभी सब लोग सोचते टीवी मिल गया, बॉडी मिल गया, उसका चलाने का डिवाइस किधर है बोलिए। डिवाइस तो हम भी उधर नहीं देखे बट व्हाट वी नो फ्रॉम आवर सोर्सेस इज लाइक उसका रिमोट भी इतना फ्यूचरिस्टिक है, पूरा वाइट एंड वाइट ऐसा दिखता आपको, बहुत क्लासी लुक है गाइस। आप बस इसमें ना आपको इनबिल्ट ऐप्स भी क्या मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो भी ऐप्स रहते हैं देखो एक्सेल्स वगैरह वो सब कुछ, आपको पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं आप उसमें, वो अमेजिंग फ्यूचर भी है उसके साथ साथ। एंड आप पता ही है सैमसंग में हर एक सैमसंग में माइक्रोसॉफ्ट से टाई अप है वो लोग, सो जो भी सैमसंग यूज़ करो आप ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है उसमें। सो ये था मेन। इसके साथ और एक क्या है मालूम डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज सुने तो आप पागल हो जाते हैं। कम दिया बोले तो ये वॉल को नहीं लगा सकते बेसिकली, ये देखो क्लियरली देखो उसको कितना, वो साइड एंगल देखो, वो पिक्चर देखो कैसे जा रहा, वो माइंड ब्लोइंग है सीरियसली बोल रहा हूँ मैं तो। ये पीछे का बैक पोर्शन है गाइस, वो अभी सामने का देख लिया आप, साइड एंगल था पीछे बैक पोर्शन पूरा सब कुछ कवर्ड है। ये सामने न्यू अराइवल क्यूलेट बोल के भी है देखो, इसलिए न्यू अराइवल है इसलिए हम लोग निकाले। अखिल कैसा लग रहा, एकदम दम बिरयानी जैसा है। हाँ एकदम दम बिरयानी जैसा है कहते, देखो वो देखिएगा इसका ना नीचे स्टैंड भी इतना अच्छा है, इतना मस्त दिख रहा ना। वो ऊपर का पोर्शन आप नोटिस किया नहीं किया शायद नहीं मालूम, बट ऊपर का जो पोर्शन है वही NFC पोर्शन है बेसिकली। देखो वो सेंटर ऑफ द पीस एंड साइड्स में आप कुछ भी फ्लावर वॉज या कुछ भी लगा सकते हो, पॉट्स या कुछ भी, बट बहुत ही अच्छा है दिखने में, बहुत मस्त है वो स्टैंड से, वो कॉर्नर्स
सीरियसली जेस वगैरह। अभी आप साइड एंगल आपको कब पता चलता बोलो तो, आप कितना क्लोजअप से, ये एम्ब्रॉयडर्ड सैमसंग लोगो है, वो सैमसंग लोगो भी आपको क्लियरली विजिबल नहीं दिखता, पास में देखे देखो देखो कैसा दिख रहा है, घर पे रखे तो एक एक लोग शॉक हो जाना है। हाँ घर पे रखे तो ये इसको क्या सोचते बोले तो, अरे कहाँ से बना के लाए बोल के, वो ऊपर का पोर्शन देखे वो है, लेना भाई टीवी लेना, बट डिफरेंट ऐसा 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 यूनिक टाइप टीवी लेना, स्टैंड के ऊपर ही लगाना पड़ता। सो ये मेन डिसएडवांटेज है इसका, एंड ये क्यों स्पेशली मैं दिखा रहा हूँ बोले तो ये चैनल में रिव्यू टाइम है ना, थोड़ा हटके दिखना बोल के ये टीवी लाए, एक अलग ही फ्यूचर है अलग ही। सो इसका केबल्स भी ऐसा वैसा अजीब उसमें मैं नहीं दिखता, इसको हर एक जो हाई एंड टीवीज को कैसा रहता वैसे इसको पूरा कवर्ड है पीछे की तरफ भी, एंड वायर्स भी एक भी नहीं दिखेगा इसमें। सो ये किड्स के लिए बहुत अच्छा रहता, एक्सबॉक्स अच्छा खेल सकते, प्ले स्टेशन भी अच्छा खेल सकते, एंड मूवीज तो अमेजिंग रहता देखो, ठीक है ना। सो इसका मैं की फीचर्स एंड जो भी डिफेक्टिव चीज़ है इसमें आपको बता दिया, मैं अंदर की चीज़ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से रिव्यू ना स्टाइल के हिसाब से वो प्रोडक्ट का रेटिंग ना 4 दे दूंगा मैं। सो वो 1 स्टार किस लिए मैं आपको बता दिया, बॉल को सपोर्ट नहीं कर सकता वो। सो बॉल को सपोर्ट नहीं है तो अभी कैसे रहता, अभी देखिए आपका मर्जी है वो, बट स्टिल बहुत ही अच्छा है गाइस, प्लीज़ चेक आउट दिस प्रोडक्ट इफ़ यू willing or if you want to see it in a live, just go to Chroma store. अगले वीडियो पे मिलते हैं, until then जय हिंद वंदे मातरम।